नमस्कार, विभिन्न समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज की प्रमुख खबरें। जीएसएलवी F-05 के प्रक्षेपण के लिए उल्टी गिनती शुरू। इसरो के अत्याधुनिक मौसम उपग्रह इनसैट 3DR को ले जाने की खातिर तैयार जीएसएलवी F-05 के प्रक्षेपण के लिए 29 घंटे की उल्टी गिनती बुधवार को यहां 11:30 पर शुरू हो गई। अंतरिक्ष एजेंसी ने बताया कि यहां से करीब 110 किलोमीटर दूर श्रीहरिकोटा के स्पेस पोर्ट स्थित दूसरे लॉन्च पैड से जीएसएलवी का प्रक्षेपण गुरुवार को किया जाएगा। यह अपने साथ अत्याधुनिक मौसम उपग्रह लेकर जाएगा, जो देश में मौसम संबंधी सेवाओं के लिए विभिन्न सेवाएं प्रदान करेगा। संयुक्त राष्ट्र चार्टर का संस्कृत में अनुवाद। संयुक्त राष्ट्र के चार्टर का संस्कृत में अनुवाद किया गया है। चार्टर संयुक्त राष्ट्र की बुनियादी संधि है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि सैयद अकबरुद्दीन ने मंगलवार को कहा कि चार्टर अब संस्कृत में उपलब्ध है। इस उत्कृष्ट प्रयास के लिए डॉक्टर जितेंद्र कुमार त्रिपाठी, आपका शुक्रिया। उन्होंने ट्विटर पर चार्टर के संस्कृत कवर की एक तस्वीर भी डाली। त्रिपाठी लखनऊ स्थित अखिल भारतीय संस्कृत परिषद के सचिव हैं। उच्चतम न्यायालय ने 24 घंटे के अंदर प्राथमिकी वेबसाइट पर लगाने को कहा। उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया कि वे पुलिस थानों में प्राथमिकी दर्ज होने के 24 घंटे के अंदर उसे अपनी वेबसाइट पर लगाएं। बहरहाल न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा और न्यायमूर्ति सी नागप्पन ने उन राज्यों के लिए वेबसाइट पर प्राथमिकी लगाने की मियाद बढ़ाकर 72 घंटे कर दी, जो मुश्किल इलाकों में है और जहां इंटरनेट की सुविधा कमजोर है। हालांकि शीर्ष अदालत ने राज्य पुलिस प्रशासन को छापेमार युद्ध, महिला एवं बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों के संवेदनशील मामलों में वेबसाइट पर प्राथमिकी लगाने से छूट दी है। कोलकाता के हवाई अड्डे पर बम विस्फोट की धमकी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर बुधवार को सुरक्षा कर्मी उस समय घबरा गए जब फोन पर 3 बार हवाई अड्डे को उड़ाने की धमकी दी गई। पहले 2 बार लाल बाजार पुलिस नियंत्रण कक्ष में तड़के करीब 1:15 फोन की धमकी दी गई और 3री बार विधाननगर पुलिस आयुक्तालय में। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि पहले 2 फोन कॉल के बाद ही हवाई अड्डे पर कार्रवाई शुरू कर दी, लेकिन वहां कुछ भी नहीं मिला। सरकारी बैंकों के निजीकरण के लिए तैयार नहीं है देश, अरुण जेटली ने कहा। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बुधवार को कहा कि देश सरकारी बैंकों के निजीकरण के लिए तैयार नहीं है और सरकार इन बैंकों को मजबूत बनाने के काम को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। जेटली ने यह भी कहा कि IDBI बैंक को छोड़कर बाकी सरकारी बैंकों का सार्वजनिक स्वरूप बना रहेगा। मंत्री ने यहाँ इकोनॉमिस्ट इंडिया समिट में कहा कि हम कुछ बैंकों को पुनर्गठित करने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा न होने पर उन्हें प्रतिस्पर्धा के माहौल में मुश्किल हो सकती है। जेटली ने कहा कि पुनर्गठित तरीके से वे संभवतः अपनी मौजूदा स्थिति में बने रहेंगे। इतने तक के मुख्य समाचार। और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।